वेलकम बैक टू माई चैनल। किदा हो सारे, सत श्री अकाल जी। अज की वीडियो थोड़ी जी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ, क्योंकि अज वीडियो मैं बना रही हूँ पंजाबी दे विच, जो कि मेरी अपनी लैंग्वेज आ। बट हाँ, मैं तो नीचे ना हिंदी दे विच सबटाइटल जरूर ऐड कर दाँगी, ताकि सबनों ही बहुत ज़्यादा ईजी रहे। तो अगर तुम सेम वीडियो हिंदी विच वेखना चाहते हो तो मैनू कमेंट सैक्शन में जरूर दस सकते हो, आप इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज दे विच भी बना लवेंगे। वैसे ही मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना पंजाबी दे विच एक वीडियो शूट की जाए, सो मैं कर रही हूँ। अज की जो वीडियो ना एक मेकअप ब्रशेज के उपर डिटेल्ड वीडियो है, सब मतलब मेकअप ब्रशेज के बारे सब कुछ डिटेल्स मैं दसागी, कि ब्रश में तुम कि किस लिए यूज़ कर सकते हो। सो अगर वीडियो चंगी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, वीडियो में लाइक कर दियो, तो शेयर करना था बिल्कुल भी ना भूलो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट तो वीडियो कर लें स्टार्ट। चलो फटाफट तो वीडियो शुरू कर। जो ब्रशेज ने जिद बारे मैं डिटेल्स दसन वाली हूँ, मैं तो इतने मेनली ही दसागी कि मेकअप ब्रशेज में आप किदा कि काम यूज़ कर सकते, बट जी मैं ब्रशेज बारे दस रही हाँ वो इन्हें ये मैं अमेजोन हॉल वीडियो के भी दिखाई सी। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दाँगी, इस प्रोडक्ट का भी लिंक दे देवगी। मैंने अमेजोन तो बाय किए थे, ये कुछ इस तरह के मैंने ब्रशेज मिले से, मैं सोचा चलो क्यों ना इसकी डिटेल वीडियो बनाई जाए। इन्हों की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, सो मैं यूज़ भी कर रही हूँ। इस दाल मैं इदा के दो स्पॉन्ज बिल्कुल फ्री मिले से, मैं अमेजोन हॉल ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ वीडियो दिखा चुकी हैं। सो आप फटाफट तो गल कर लेने, जो ब्रशेज ने इन्हों की यूजेस ने, आई एम श्योर बहुत सारे हो गए। जो तो स्टार्टिंग मैं भी शुरू किया, मैं भी काफ़ी कन्फ्यूज रहती थी कि ब्रश को लाइक इदा कि यूज़ किया जा सकता है। सो इतने मैं उही तुम्हें डिटेल्स दसन वाली हाँ। सब तो पहले गल कर लें कि इतने जो सब तो पहले मैंने ब्रशेज मिले से, जोड़े दो आ वाले ब्रशेज मिले ने मैं, ये कुछ इदा के ने। इन्हों की ना जी क्वालिटी आ बहुत ज़्यादा अच्छी आ, लाइक इन्हों के ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट नहीं, इन्होंने क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इन्हों के ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा जहा डिफरेंस आ, जो तुम ध्यान नाल देखोगे तो नोटिस कर सकते हो, ज़्यादा इन्हों के डिफरेंस नहीं है। एक तो प्रॉपरली राउंड शेप है, एक जस्ट एक एंगल्ड शेप के जरा ब्रश आ, यह ब्रश यूज कर सकते हो फाउंडेशन अप्लाई करने लिए, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी हैवी बेस, या तुम अगर लाइक अपने पाउडर ब्रश लिए भी तुम इन यूज़ कर सकते हो। जस्ट सिंपली तुम फिंगरस नाल भी तुम अप्लाई करते ही होने फाउंडेशन, बट ये भी तुम अपने फेस के उपर ऑल ओवर फाउंडेशन या बेबी क्रीम कोई भी लगा के उसनों अपनी ऑल ओवर फेस के इदा इस तरह यूज़ करते हुए अपनी स्किन के उसको पूरी तरह अब्जॉर्व कर सकते हो। उस तो बाद जो ब्रश आता है इनू आप ब्रॉन्ज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या एज अ ब्लश ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अपने ब्लश को लगा के अपने फेस के उपर इनू इदा यूज़ कर सकते हैं। ये दो जो ब्रशेज ने यह है इस चीज़ के लिए। मैंने उस तो पहले की गल कर लेने, अगले ब्रशेज की दो, ये तो बहुत सिंपल है, ये बारे सब पता भी होना है। ये जो ब्रश आ, ये मस्कारे लिए यूज़ करना हों, आप अपना मस्कारा अप्लाई करते हैं। दैन ये ब्रश होता है थोड़ी आईब्रो कॉम करने लिए, तो उसू लाइक मतलब भी परफेक्ट शेप करने वास्ते, आप आईब्रोज की परफेक्ट शेपिंग है उन्होंने कॉम करने वास्ते ही आप ब्रश यूज़ करते हैं, मस्कारा एंड आईब्रोज वास्ते होंगे आ। दैन उस तो बाद जो नैक्सट ब्रश आता है मेरे को हैगा ए वाला ब्रश, तो एक ए वाला, ये दो ब्रश ने, इन्हों के भी स्लाइटली डिफरेंट आ, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तुम ध्यान देख सकते हो। जो ब्रश आ यह होंगे आईलाइनर ब्रश, ये अपना आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, एंड अपने लिप्स की फिलिंग भी इन्होंने ब्रशेज नाल कर सकते हो। आईलाइनर एंड लिप्स फिलिंग वास्ते इन्होंने ब्रशेज नू यूज़ कर सकते हो, ईवन अगर आईब्रोज की फिलिंग भी करना चाहते हो तो भी इन्होंने ब्रशेज नू यूज़ कर सकते हो। ये ब्रशेज होंगे ने इस चीज़ वास्ते। दैन उस तो बाद आप अगले ब्रशेज की गल कर लें। दैन उस तो बाद मेरे को एक ए वाला ब्रश आया सी, ये तीन चार ब्रशेज ने जोड़े कि काफ़ी हद तक एक दूसरे नाल मिक्स मैच करते हैं, थोड़ी जी कन्फ्यूजन भी देंगे ने। ये ब्रशेज ने कुछ इदा की शेप देने मेरे को, इदा वाली शेप के ब्रशेज आते हैं। एक होर ब्रश आ इन्हों, एक ए वाला ब्रश आता है, एक काफ़ी हद तक सिमिलर नहीं है, इन्हों के फंक्शन भी सिमिलर ने, मतलब तुम इन तो एको जहा ही काम ले सकते हो, बट थोड़ा जहा लाइक तुम ये ब्रशेज इदा देने कुछ इदा के लुक आते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर भी ने, बट थोड़ा जहा वर्क वीक सेम करते हैं। सब तो पहला तो गल कर लें आप इन्हों वाले तीन ब्रशेज की, जो कि ए वाले तीन मेरे को ब्रशेज ने। आ वाला जो ब्रश आ ये थोड़ा जहा लाइक हैगा आ, इन्हों के ब्रिसल्स ने कुछ इदा तरह जो सॉफ्ट आ, ये थोड़ा ब्रश हों हार्ड हों, होंगे एप्लीकेटर अप्लाई करने लिए। तुम कोई भी फाउंडेशन या कोई भी जो अपने आईज आईब्रोज के उपर लगा दो, इस जरा जो भी एप्लीकेटर जो भी प्रोडक्ट आना उसको उठा के अप्लाई करना, ये बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, इदा का होंगे सिंपली अप्लाई करना होंगे, इस प्रोडक्ट को उठाया एंड अपने आईज के उपर कुछ इस तरह ये अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होंगे आ। दैन उस तो बाद इन्हों दो ब्रशेज की, यह होंगे ब्रश होंगे कि यह होंगे ब्लैंडिंग ब्रश, आईब्रो ब्लैंडिंग ब्रश, आई शेडो ब्लैंडिंग ब्रश, सॉरी। ये जो तो तुम अपना आई शेडो अप्लाई करते हो, दैन इस अपना आई शेडो जो भी है उन्होंने ब्लैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी होंगे आ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਰੱਸ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੁੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਰਾ ਯੋਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਹੈ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਆ ਦੋ ਬਰੱਸ਼। ਐਨੀ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਬਰੱਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਕੰਟੋਰ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਹੈਲਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਲਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਆਈਜ਼ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਰੱਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਹ ਐਂਗਲਡ ਬਰੱਸ਼ ਆ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਂਗਲਡ ਬਰੱਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ ਹੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੋਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਯੋਰ ਆਈਜ਼, ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਫਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਰ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼, ਦਿਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਅ ਗੁੱਡ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਓਵਰਆਲ ਨੌਲੇਜ ਬਰੱਸ਼ਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਟਾਈਟਲਸ, ਸੋਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਫੋਰ ਯੂ ਗਾਈਜ਼। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।